हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विल्फ्रेड ओयन की पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ। पोएम को शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि विल्फ्रेड ओयन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी इम्पॉर्टेंट पोएम्स कौन सी है और उनकी पोएम्स का थीम या सब्जेक्ट मैटर क्या है। स्टूडेंट्स, विल्फ्रेड ओयन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लीडिंग पोइट थे और उन्हें 20th सेंचुरी के वार पोइट के तौर पर जाना जाता है। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और उन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से प्राप्त की और फिर वह 1913 में फ्रांस चले गए। 1915 में उनकी सिलेक्शन आर्मी में हो गई थी और उन्होंने एक सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई। वह 1917 में वॉर के दौरान जख्मी हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात वॉर पोइट सीगफ्रीड ससून के साथ हुई और वह दोस्त बन गए। 1918 में वह वापस फ्रांस चले गए। नवंबर 1918 में वॉर समाप्त होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। वह बुकिश, इंट्रोवर्ट, शाई नेचर के और क्रिश्चियन थे और वह एक सोल्जर की लाइफ के लिए बिल्कुल अनसूटेड थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान युद्ध की क्रुएल्टी और युद्ध संबंधी अनुभव से वह बहुत परेशान रहे। अपनी लाइफ के दौरान वह अपनी पोइम्स को पब्लिश ना करवा सके। उनकी पोइम्स उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई और एक फेमस पोइट के तौर पर उन्हें जाना गया। एंथम फॉर डूम्ड यूथ, स्ट्रेंज मीटिंग, स्प्रिंग ऑफेंसिव और फर्टिलिटी उनकी इम्पॉर्टेंट पोइम्स है। उनकी पोइम्स युद्ध की भयंकरता को एक्सप्रेस करती हैं। स्टूडेंट्स, जब विल्फ्रेड ओयन ने ये पोइम लिखी तो वह हॉस्पिटल में थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान 1917 में वह युद्ध में घायल हो गए थे तो रिकवरी के लिए उन्हें हॉस्पिटल लाया गया, तब उन्होंने ये पोइम लिखी। इस पोइम को एलिजी, सोनेट या एंटी वॉर पोइम भी कहा जा सकता है। ये पोइम 14 लाइंस की है और इसे ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया गया है। इस पोइम की फर्स्ट 8 लाइंस युद्ध की भयंकरता को बयान करती है। जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं उनके लिए दुख का प्रगटावा करती है, लेकिन इस पोइम की लास्ट 6 लाइंस उन औरतों के बारे में है जो युद्ध के लिए सेक्रीफाइस करती हैं। ये लास्ट लाइंस मृतक सैनिकों के पीछे घर में शाई हुई उदासी को बयां करती है। अगर पोइम के टाइटल की बात करें तो ये पोइम एक एंथम भी है। एंथम का मतलब ऐसा सॉन्ग जो किसी देश के लिए खास महत्व रखता हो, लेकिन इस पोइम में इस वर्ड को सैटायरिकली यूज़ किया गया है। पोइट ने इस शब्द को युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सैनिकों की मृत्यु को डिस्क्राइब करने के लिए आयरोनिकली यूज़ किया है। टाइटल में नेक्स्ट वर्ड है डूम्ड, जिसका मतलब है मृतक। ये शब्द क्लियरली इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पोइट इस पोइम में किसी की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत लिख रहा है। यूथ का मतलब है यंग पीपल, जवान लोग जो युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं, कवि उनकी बात कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही यूथ से कवि का मतलब उन महिलाओं से भी है जो युद्ध में पति, पिता या भाई की मृत्यु के बाद दुखी हैं। इस तरह से ये पोइम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान युद्ध में मारे गए सैनिकों की मृत्यु पर दुख का प्रगटावा कर रही है। समरी ऑफ द पोइम, कवि कहता है कि युद्ध के मैदान में सैनिकों को पशुओं की तरह मारा जाता है। उनके शौक में कोई घंटियां नहीं बजाई जाती, सिर्फ बंदूकों के चलने की आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। यहां तक कि उनकी मृत्यु की घोषणा करने के लिए कोई घंटियां नहीं बजाई जाती और ना ही कोई धार्मिक सेरेमनीज परफॉर्म की जाती है। बमों की तीखी आवाज़ ही उनकी मृत्यु की घोषणा करती है।
जब उनकी मृत्यु की खबर उनके गांव पहुंचती है तो बिगुल बजाने के सिवा और कुछ नहीं किया जाता। मृतक सैनिकों के घर में सभी बिलाप कर रहे होते हैं और उनका स्वागत करने के लिए कोई कैंडल्स नहीं चलाई जाती, बल्कि उनकी आंखों में उन्हें अलविदा कहने के लिए आंसू चमक रहे होते हैं। उनके पास मृतक सैनिकों को देने के लिए एक कफन ही होता है। मृतक सैनिकों के कफन पर चढ़ाए जाने वाले फूलों की जगह उनके मन की कोमलता ही होती है। उनका जीवन अंधेरा बनकर रह जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द पोइम स्टैंजा बाय स्टैंजा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सैनिकों की प्रेज नहीं करता, लेकिन युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सैनिकों की मृत्यु और उन सैनिकों के फैमिली मेंबर्स के दुख का प्रगटावा करता हुआ कहता है कि युद्ध के मैदान में सैनिकों को पशुओं की तरह मारा जाता है। ये बात एक बुचड़खाने की तस्वीर को पेश कर रही है, कैसे निर्दयी होकर सैनिकों को मारा जाता है। मारे गए सैनिक युद्ध प्रेमियों की भूख को शांत करते हैं, जैसे बुचड़खाने में मारे गए जानवर मांसाहारी लोगों की भूख को शांत करते हैं। जो सैनिक युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं उनकी दुख का प्रगटावा करने के लिए कोई घंटियां नहीं बजाई जाती, लेकिन बंदूकों की आवाज़ें ही सुनाई देती है। मृतकों के लिए कोई प्रार्थनाएं नहीं की जाती, बल्कि बंदूकों की तेज कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के लिए कोई धार्मिक सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की जाती, जिससे मृत्यु के बाद उन्हें कोई फ़ायदा हो, ना ही उनके लिए कोई प्रार्थनाएं की जाती है। उनकी मृत्यु की घोषणा करने के लिए ना ही घंटियां बजाई जाती हैं। उनके लिए कोई भी दुख में पोइट ने नहीं किया जाता और ना ही उनके लिए बैंड राइफलों और बंदूकों का दृश्य पेश करने हुई भयंकर आवाज ही उनके कानों में गूंजती है, जो उनकी मृत्यु पर दुख का प्रगटावा करती है। जब उनकी मृत्यु की खबर उनके घरों और गांवों में पहुंचती है तो बिगल बजाने के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। कवि पूछ रहा है, क्या ये सही है? पोइट को ये सम्मान कोई मायने नहीं रखता, उसको युद्ध में मारे जाना कोई शान की बात नहीं लगती। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि युद्ध के मैदान या युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की बात नहीं करता, वह इन लाइंस में युद्ध की आवाज़ों से परे मृतक सैनिकों के घर का दृश्य पेश करता है। वह उन सैनिकों के घरों में उनकी मृत्यु के बाद शायी हुई गंभीर चुप्पी पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। मृतक सैनिकों के घर पर उनके फैमिली मेंबर्स बेलाप कर रहे होते हैं। घर पर मृतक सैनिकों के पहुंचने के बाद मोमबत्तियां के साथ उनका स्वागत नहीं किया जाता, बल्कि अलविदा कहने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स की आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं। उनकी मृत्यु की खबर जब उनके घर तक पहुंचती है तो उदासी के भाव छा जाते हैं। उनके पास मृतक सैनिकों को देने के लिए सिर्फ कफन ही होता है। मृतक सैनिकों की पत्नियां, माताओं और बहनों के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। मृतक के कफन पर चढ़ाए जाने वाले फूलों की जगह अब उनके पास सहनशील मन की कोमलता ही होती है। वह अपने कमरों में लगे हुए पर्दों को नीचे गिराकर ही मृतकों के प्रति सम्मान दिखा सकते हैं। इसी तरह से कवि घर का दृश्य पेश करता हुआ कहता है कि उनका जीवन अंधेरा बनकर रह जाता है। एनालिसिस ऑफ द पोएम। रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन इज वन विच इज नॉट आस्क्ड टू गेट एन आंसर। दिस पोएम स्टार्ट्स विद अ रेटोरिकल क्वेश्चन, बट पासिंग बेल्स फॉर दोज हु डाई एज कैटल। कवि इस प्रश्न को अपनी बात रखने के लिए बोल रहा है। वह ऑडियंस को भी इस बात का एहसास दिलाता है कि युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सैनिकों का सम्मान नहीं किया जाता। एनाफोरा। इस पोइम की सेकंड और थर्ड लाइन में पोइट ने एनाफोरा डिवाइस का यूज़ किया है। एनाफोरा इज़ अ रेपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रेज इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। पोइट सेज,
only the monstrous guns, only the shattering rifles. Next, he says, no mockeries, no prayers. These lines are the examples of anaphora. Alliteration. Alliteration is the repetition of a particular speech sound. This device has been used in the third line of the poem. Consonants. Consonants is the repetition of consonants. Repetition of consonants can be seen in the first and second line. Personification. जब किसी नॉन ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज दी जाती हैं तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. इस पोइम में गन वर्ड, सैड शायर वर्ड को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं. ये पोइम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं. इस पोइम में ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ एफ ई, जी जी राइम स्कीम यूज की गई है. इमेजरी. दिस पोइम इज फुल ऑफ इमेजेस. इस पोइम में डस्क वर्ड डेथ का सिंबल है. सिमिली एंड मेटाफर. इस पोइम में सिमिली और मेटाफर डिवाइस का भी यूज किया गया है. सोल्जर्स हैव बीन कंपेयर्ड टू कैटल इन दिस पोइम. और इस पोइम में सैनिकों की कब्र पर फूल रखने की रिचुअल को घर पर बेट कर रहे लोगों के पेशेंस के साथ कंपेयर किया गया है. स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट. प्रेस द बेल बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेहान्स अकेडमी. थैंक यू.